हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली में वर्कशीट 39 करेंगे 9 दिसंबर की इंग्लिश की क्लास 8 की। लेसन, दिस इज फॉर जॉडीज फोन कंटिन्यू होगा। तो पांच लाइन लिखनी है अबाउट योर फेवरेट एनिमल। तो द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। जो काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है, इसके वेरियस कलर शेप्स एंड साइज है। इन इंडिया जो काउ है इसको एक पूज्य जानवर माना जाता है बाय हिंदूज एंड इसको वर्शिप किया जाता है बहुत समय से। इट ईट्स फ्रेश ग्रास हस ग्रेन एंड वेजिटेबल। ये फ्रेश ग्रास खाती है, हस खाती है, ग्रेन्स खाती है, वेजिटेबल्स खाती है। तो काउज मिल्क इज वेरी न्यूट्रियस। जो काउ होती है उसका दूध बहुत ही अच्छा होता है। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब जो है वो सब काउ का दूध पीते हैं और इससे उनको शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये काउ के बारे में हमने लिखी 5 लाइंस। तो आगे हमको कहा गया, अगला पैसेज पढ़ने को मिल व्हील कहता है, ही कैन राइड बैक विद मी। ये मेरे संग जा सकता है, मैं उसे जो उसका डॉय है उसे ढूंढने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पोर्ट हेल्पलेसली। वो सही है कह देती है बहुत दुखी मन से। वेल इफ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव नथिंग एल्स टू फीड इट। अगर तुम अपना दूध उसको दे दोगे तो हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। मिलविल सेड, मिलविल कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। हम तैयार हैं राइडिंग के लिए। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्यूसली यू विल नॉट बी गोइंग लॉन्ग। जो उनकी मम्मी थी बैक्स्टर वो कहती है कि ज़्यादा लॉन्ग मत जाना। जॉडी से, जॉडी कहता है आई विल बी बैक बिफोर डिनर। मैं डिनर से पहले तक वापस आ जाऊंगा। मिल व्हील जो है हॉर्स पे बैठ जाता है और जॉय के संग चला जाता है। ही सेड टू मिल व्हील, वो मिल व्हील से कहता है डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। क्या तुम्हें लगता है कि वो फोन अभी भी होगा वहाँ पे। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे ढूंढने में मदद करोगे। विल फाइंड हिम ही फ्लाइज, वो कहता है हाँ अगर जिंदा होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम कैसे जानते हो कि वो एक ही है, वो मेल है। वो किससे पूछता है, मिलविल से। तो बताता है कि जो उसके स्पॉट्स है एक लाइन में, एक डॉय फोन में, उससे पता चलता है कि वो एक मेल है। अब क्वेश्चंस, डैश सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। जॉडी सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। वी फाइंड हिम इफ द डैश इज अलाइव। वी फाइंड हिम इफ द फोन इज अलाइव। अब क्वेश्चंस है, माँ बैक्स्टर आस्क्स एनिक्विसली यू विल नॉट बी गोइंग लॉन्ग। हु इज यू, जॉडी और मिलविल, जॉडी। हाउ यू नो इट्स अ ही, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मिलविल। अब हाउ डिड ही आइडेंटिफाई इफ द फोन वाज अ ही और शी। द फोन वाज ही एज ऑल स्पॉट्स वर इन अ लाइन। तो आप इस तरह से आंसर्स को लिखेंगे, वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग।